क्या औरतों को धीमा सेक्स पसंद है या तेज? बहुत से ऐसे पुरुष ने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा है, बहुत सी ऑडियंस ने, मैम कैसा वाला सेक्स फीमेल को पसंद होता है और उसके लिए स्पेसिफिकली मुझे क्या करना चाहिए, हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर नेहा मेहता, मैं एक सेक्स काउंसलर हूँ, पिछले काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। अपनी हर वीडियो के माध्यम से सेक्स से जुड़ी सही जानकारी आप तक देने की कोशिश है। क्या आपके मन में भी ये क्वेश्चन है कि औरतों को कैसा सेक्स पसंद है, स्लो और फास्ट? तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे व्हाट टाइप ऑफ सेक्स वुमेन वांट। यूजुअली ऑन बेड देयर इज अ बिगर मिथ कि औरतों को बहुत ज्यादा तेज या पेनिट्रेटिव सेक्स ही पसंद होता है। एज लॉन्ग एज योर साइज इज और आप जितनी देर तक अंदर बाहर करते हैं वही उसे प्लेजर देता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग और ये बहुत बड़ा मिथक है। सही बात यह है कि औरतों को पेनिट्रेशन से उतना प्लेजर नहीं आता है जितना उन्हें नॉर्मल सेक्स करने, दैट मीन्स लोअर एंड ऑर्गेजमिक सेक्स करना, मतलब क्लिटोरल स्टिमुलेशन या बॉडी के दूसरे पार्ट पे फोर प्ले करने से मजा आता है एज कम्पेयर टू द पेनिट्रेटिव सेक्स। तो अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर मुझसे जानना चाहते हैं कि फास्ट और स्लो, तो मैं बोलूंगी स्लो। Why? Because पुरुषों को ऐसा लगता है कि उनका बहुत जल्दी निकलने वाला है या टाइम का कोई प्रॉब्लम है तो वो बहुत जल्दी जल्दी करने की कोशिश करते हैं, जबकि औरतों के लिए सेक्स इज कम्प्लीटली मेंटल। मतलब आप जितना उन्हें फोर प्ले करेंगे, जितना धीरे धीरे उनको मूड में लाएंगे, दैट इज इक्वली इंपॉर्टेंट। मोर ओवर अगर आप चाहें तो वर्बल सेंसेशंस भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कुछ बोल सकते हैं, पूरे दिन में उनको रेडी कर सकते हैं, डर्टी स्टिमुलेशन कर सकते हैं, रब कर सकते हैं, सक कर सकते हैं। द लॉट्स ऑफ थिंग्स यू कुड डू इन फोर प्ले, जो मैं डिटेल में आपको बहुत सारी वीडियोज में अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मोर ओवर ओरल सेक्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, द यूज ऑफ फिंगर्स ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। साथ साथ आप चाहें तो बातें, मतलब अपने ओरल में भी कुछ बातों से भी या वर्बली भी उन्हें अराउज कर सकते हैं। साथ साथ यू कैन ऑल्सो वॉच और सी समथिंग दैट कैन अराउज देम। तो स्लोअर जितना प्रोसेस रहेगा उतना वुमेन का सेटिस्फैक्शन लेवल और ऑर्गेजम का लेवल, मतलब चरम सुख का लेवल बहुत ज्यादा बेटर हो सकता है। लेकिन अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा ये लोग पुरुष पूछते हैं कि मैम मेरा ही टाइम बहुत कम है, मुझे ऐसा लगता है मेरा बहुत जल्दी डिस्चार्ज होने वाला है, एंड आई वॉन्ट माई स्टेमिना टू बी मोर, इसलिए मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कुछ ऐसा आयुर्वेदिक सप्लीमेंट लें जो कि आपकी हेल्थ को भी नुकसान ना करे और आपके टाइम को इंक्रीज करे। एक चीज अंडरलाइन करने के लिए बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि अपनी फिजिकल बॉडी को जितना आप हैप्पी रखने की कोशिश करते हैं और उसके रिजल्ट के लिए आप स्लो हैं कि धीरे धीरे डाइट अच्छी लूंगा, बॉडी अच्छी हो जाएगी, धीरे धीरे जिम करूंगा, आई नो दैट इट टेक्स टाइम, कुछ लर्निंग करते हैं तो भी आपको लगता है कि धीरे धीरे करेंगे तो अच्छा लर्न कर पाएंगे। सिमिलरली डोंट जस्ट बेयरली गो विद पेनिट्रेशन, जल्दी 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 पेनिट्रेशन वुड नॉट हेल्प। इफ यू वॉन्ट टू सेटिस्फाई योर वुमेन, स्लो steady and lots of foreplay वाला sex women always like। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। बहुत जल्दी और वीडियो लाऊंगी, तब तक चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और बहुत सारी ऐसी वीडियोस के लिए बने रहें, जुड़े रहें।